चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के नए सब वेरिएंट BF.7 के केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना की ये लहर अब शंघाई तक पहुंच गई है। शंघाई में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखा गया है। NHK वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शंघाई में कोरोना वायरस फैल रहा है और यहाँ के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। दवा की दुकानों में दवाओं की कमी हो चुकी है। व्यवसाय बंद हो रहे हैं क्योंकि कर्मचारी बीमार हैं। यहां तक कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाकर जो गलती की है उससे लोगों में भारी आक्रोश है। चीन ने दिसंबर में सख्त लॉकडाउन के फैसले पर ढील दी और मामले सामने आना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे चीन की सरकार ने जनता को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। चीन में लोगों ने महामारी पर लगाम लगाने में विफल रही शी जिनपिंग सरकार का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। चीन में जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं। जिस तरह चीन में ढिलाई के बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं, वे चीनी वैक्सीन के प्रभाव पर भी सवाल खड़े करते हैं। साथ ही ये उन देशों के लिए भी खतरे की घंटी है जिन्होंने चीन से टीका लिया था।